हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अगस्त महीने का असाइनमेंट का आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका जो क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का ये असाइनमेंट का आंसर है। तो चलिए देखेंगे हम आपको कि क्या क्या आपको प्रश्न मिला था और उसके आंसर आपको क्या क्या लिखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न देखिए, आप निम्न को समझाना है आपको, अंतःकेंद्रित घनीय और फलक और फिर फलक केंद्रित घनीय। तो इन दोनों को आपको समझाना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पास, अंतःकेंद्रित एकक जो इसको हम क्या बोलते हैं, ECC भी बोलते हैं। तो वे एकक सेल जिनमें जालक बिंदु इकाई सेल के दोनों के अतिरिक्त एक नवा जालक बिंदु केंद्र पर स्थित होता है तो वहाँ BCC कहलाता है। ठीक है, तो ये ECC हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये हो जाएगा आपके पास अंतःकेंद्रित एकक सेल। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लीजिए, ये आप डायग्राम बना दीजिएगा। यहाँ पास एग्जांपल लिखेगा सीजियम क्लोराइड। नेक्स्ट है BCC परमाणु का संख्या, अगर आप देखें तो इसमें जो फलक हैं वो कितने हैं, ये पूरे 8 हो जाएंगे। तो 8 × 1/8 और प्लस 1, तो दोनों को कैंसिल करिएगा तो 1 आएगा, 1 + 1 = 2, तो 2 परमाणु आ गया। नेक्स्ट देखें, फलक केंद्रित एकक सेल के लिए FCC इसको कहा जाता है। इस प्रकार के ठोस या इकाई सेल में 8 कोने के अतिरिक्त इकाई के प्रत्येक 6 फलक के केंद्र पर जालक बिंदु पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसके लिए इस डायग्राम को आप बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप इसको सॉल्व कर लें, 8 × 1/8 फिर प्लस 6 × 1/2, तो 2 × 3 = 6, यहाँ 3 आ जाएगा और ये कैंसिल होगा तो 1 होगा, 1 + 3 = 4, तो यहाँ 4 परमाणु आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेकंड नंबर में इसी में पूछा गया था कि किस प्रकार के क्रिस्टल दोष में घनत्व कम पाया जाता है, उसको सचित्र समझाइए। तो वो है शॉटकी दोष। ठीक है, शॉटकी दोष में इस प्रकार के क्रिस्टल के दोष में घनत्व कम पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी रैखिकता कोष दोष है ना। देखिए ये फिर आप लिख लीजिएगा यहाँ से और इसका डायग्राम बना लीजिएगा यहाँ से। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब है प्रश्न नंबर दूसरा है, हिमांक में अवनमन क्या है, इसकी सहायता से किसी विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि आपको सारे असाइनमेंट के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप चैनल का प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से ∇TF = T·F − TF आ जाएगा, तो यहाँ से आप माइनस करिएगा इन दोनों में, तो आपके पास देख सकते हैं यहाँ पास कितना आएगा, ∇TF = KF, सो फिर आपका ये आपका यहाँ पास कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पास 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या गुणे 1000 फिर बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये आपका। इसके बाद यहाँ से मोललता फाइंड कर लीजिए, यहाँ से 3 और 4 समीकरण, इस प्रकार से आपको सारे चीज़ों को कंप्लीट करना है। और वीडियो को ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए ही बनाया जा रहा। नेक्स्ट, अब यहाँ से सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए लास्ट में अगर हम देखें तो इसका कितना मोल आ रहा है, 0.385 मोल, फिर नेक्स्ट के लिए 0.454 मोल, इस प्रकार दोनों को सॉल्व करके हम लाएंगे 0.459, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर का, कि गैसों का द्रव में घुलना उष्मा छिपी प्रक्रिया है जिससे उष्मा बाहर निकलती है। जब हम गैस के तापमान में वृद्धि करते हैं तो उसके उष्मा
उसको उष्मा मिलती है और अभिक्रिया साम्यावस्था से विपरीत दिशा में जाने लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है, दूसरे का। यहाँ से आप कंप्लीट कीजिएगा इस प्रकार से इक्वेशन करके, एनोड और कैथोड है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से आप निकाल दीजिए। तो सेल का ई नॉट सेल ज्ञात करना है आपको, कैथोड माइनस एनोड माइनस 0.40 माइनस माइनस 0.74, तो कितना आएगा 0.34 वोल्ट आएगा। फिर है धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, इसको लिखना है आपको, तो इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। ओके, नेक्स्ट है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रिया, इसे आप कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये आपका पूरे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।